आज हम बैड़वा गांव में है जो कि बलवा पंचायत में पड़ता है, मधवापुर और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है आप लोग जी। और इस गांव में कब निकला है ये मूर्ति? परसों यानी कि कल एक मूर्ति निकला है जो कि विष्णु जी का है, विष्णु जी का मूर्ति है। और जब खेत में, आपका क्या नाम है? हिरजू पासवान जी जब खेत में काम कर रहे थे, जब मजदूरी वहां करने गए और उन्होंने खेत में जैसे ही कुदाल चलाया तो उन्हें एक मूर्ति मिला है जो कि ब्लैक स्टोन का बना हुआ है और लग रहा है कि ये शायद पाला डायनेस्टी से बिलोंग करता है जो कि 8th to 12th century के बीच का हो सकता है। और यहाँ के गांव वाले चाहते हैं कि इस मूर्ति के बारे में थोड़ा जांच हो, मगर ये जांच यहीं से हो और इस गांव को और थोड़ा सा डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके और यहाँ एक बढ़िया सा मंदिर बनाया जा सके। तो आइए हम जानते हैं हिरजू पासवान जी से कि कहाँ उनको ये मूर्ति मिला और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। पासवान जी, आप बता सकते हैं कि ये मूर्ति कैसे आपको मिला? जी, हम लोग मजदूरी करने गए थे किसी मोहम्मदन का खेत में, जैसे घर बना रहे थे तो वहाँ पर हम लोग मजदूरी करने गए थे तो घर का जो खमा खुटा होता है वो गाड़ने के लिए वहीं से मिट्टी जो है हम लोग उठाकर, जिनका खेत है बोला कि वहाँ से मिट्टी, कहीं से उधर से मिट्टी ले आकर और यहाँ खमा को जान कर दो। तो हमने गए तो खेत तो बहुत है, ऐसा नसीब है कि हमारा जो जहाँ पर मूर्ति है वहीं पर जो है थोड़ा दूर मिट्टी खने और खनकर जो वहाँ पर कुछ दूर आगे बढ़े तो जब जैसे कुदारी चलाएं तो उसके ऊपर बैल रहा, मतलब टकराया। तो उसके बाद हम लोग ऐसे बोले ऐसे कोई पत्थर पुत्थर होगा या कोई ईंटा ऊंटा होगा, तो उस समय हम लोग इसे उतना ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद जो है जो हम लोग बाद में जो फिर दूसरे बार जब लगा हम लोग जैसे हम जो उसको पूरा चौरस करके जितना दूर में थे वो उतना दूर में हम सफाई किए ऊपर से, और सफाई कर उसको जैसे पैर का निशान है, आंख का निशान है, जो पट पड़े हुए थे सिर जो है से नीचे था। अच्छा, और मूर्ति मतलब उल्टा ऐसे उल्टा लेटा हुए थे, पूरे पक्ष में ऐसे करके लेटे हुए थे और जो कुदाल लगा तो पीठ पर लगा, मुंह पर या किसी शरीर पर नहीं लगा। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग जब उसको सफाई किए, सफाई करके जो देखे खंती से कि कितना मोटाई है, आदमी को कई आदमी को दिखाए तो बोलता था कि फाउंडेशन है या कुछ है। तो हमने जब उसको चित्र देखा ऊपर से पीठी पर तो बोलिए फाउंडेशन नहीं है, ये किसी भगवान का मूर्ति है। अच्छा, तो लोग कहा नहीं नहीं ऐसे बहुत आदमी दिखाए तो बात हमारी नहीं मानी। अच्छा, और नहीं मानी उसके बावजूद भी हम जो है उसको खुदाई जब किए खंती से चारों बगल मोटाई उसको देखे कि कितना मोटाई है, फाउंडेशन होगा तो ज्यादा मोटाई होगा। अच्छा, यदि मूर्ति वूर्ति होगा तो कम मोटाई होगी। उसके बाद जब हम खंती से खुदाई किए तो 2.5 inch इनको मोटाई है, 3 inch के लगभग। और जब देखे 2.5-2 inch है तो चारों बगल से उसको जगह खाली किए खंती से और उसको खंती से अलगा कर, और एक दो बच्चे मोहम्मदन का भी थे वहां पर, जब देखा कि पत्थर पत्थर है तो सब कोई मिलकर उसको जो है उसको पलटी जब मारे तो मूर्ति निकले। अच्छा, तो वहां पर जो है हम लोग आवाज दिए, हम वहां पर मदन यादव थे नजदीक में, तो हम लोग बोले कि आओ मूर्ति उखड़ा। तो इसे पहले भी सब डर कराया, पहले बोला झूठ बोलता है लेकिन वो नहीं, सच है, आइए ना देखिए ना। उसके बाद जो है सो वो लोग भी आए, जब देखे नजदीक में आकर तो सचमुच मूर्ति थे। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये मूर्ति का वजन कितना होगा? मूर्ति का वजन कम से कम है 3 quintal का लगभग, 3 quintal से ऊपर होगा। देखने से लग रहा है कि ये मूर्ति 5 feet के आसपास का है। 5 feet है, 4.5 का इतना अंदर का मूर्ति है, उसका वजन ना 2 quintal से ऊपर ही होगा। नहीं, 3 quintal होगा, जैसे कि हम लोग जब उठाए वहाँ पर कितना 25-30 था, कम से कम 15-20 आदमी हम लोग वहाँ पर रख कर 3-4 जगह रख कर उसके बाद हम लोग वहाँ से ले गए। जैसे इतना वजन था ना, लगभग 25 आदमी उठाने के बाद भी वो ज्यादा दूर नहीं ले जा पा रहा था, इतना वजन था उसका। यहाँ से उठा के फिर वहाँ पे रखे, फिर उठाए, फिर वहाँ पे रखे, ऐसे करके ले जा रहे थे, ज्यादा वजन था इसके। मूर्ति में एक चीज देखा गया है कि इसका नाक के पास में थोड़ा डैमेज है, पहले से। तो ये बता सकते कि मतलब जैसे खोदे तो वो पहले से वैसा ही था, पहले से ही वैसा था। अच्छा, और इस गांव में मतलब इससे पहले भी कभी किसी खेत में ऐसा कुछ मूर्ति नहीं कभी हुआ है। जो कई पुष्प का पहले खुद है, ये मूर्ति लगभग लग रहा है 1100 के आसपास का है। ठीक है,
और अच्छा अब आगे आप बता सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं कि मूर्ति के बारे में कुछ छानबीन हो, सरकार इसके बारे में कुछ छानबीन करे, छानबीन सरकार करे। मन के अंदर ये इच्छा है कि ये मूर्ति कितना पुराना है, एक बार जांच की जांच हो सकता है, यही पर जांच हो सकता है। हम लोग इतना मेहनत से सर, हम लोग को नसीब ऐसा था जो हम लोग का नसीब ऐसा है जो हम लोग को मिले हैं, और मिले के बाद भी हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ से मूर्ति कहीं जाए। सरकार को अगर जांच करना है तो यहीं पर आकर जांच कर ले और यहाँ से मूर्ति कहीं ना जाए। हम लोग का ग्रामीण का यही वही पर होना चाहिए, मंदिर जो उचित बनता है वही पर। ये बहुत बड़ा खोज का विषय है कि यहाँ एक मूर्ति मिलता है और यहाँ के गाँव के लोग चाहते है कि इसका जाँच हो, मगर ये जाँच यहीं रह के हो। जी अब आगे ये देखना है कि पुरातत्व विभाग वाले इसके बारे में क्या छानबीन करते हैं, और अगर ये पता चलता है कि ये मूर्ति लगभग 1000 साल या उससे ज्यादा पुराना हो तो ये गांव की तरक्की में एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर यहाँ अचानक से ऐसा हुआ है कि कल परसों से लोगों का जमावड़ा आना शुरू हो गया है, इससे पहले हम मुझे नहीं लगता कि इस गांव में और बाहर के लोग आते थे, नहीं, 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 और जैसे ही इस मूर्ति की स्थापना की गई है मंदिर के अंदर, यहाँ की एक नजदीकी मंदिर है वहाँ जब स्थापना की गई है, तो उसके बाद से लोगों का जमावड़ा हो गया है, अचानक से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पहुँचने लगे हैं पर दिन बहुत दूर दूर का लोग। और अगर ऐसे ही लोग यहाँ आते हैं तो ये गांव के डेवलप में बहुत बड़ा एक स्रोत हो सकता है। अगर यहाँ रोड बन जाती है, मंदिर बन जाते हैं, अच्छे लोगों को अगर बढ़िया से डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर अच्छा काम मिलता है तो ये गांव जो है अचानक से बहुत लाइमलाइट में आ सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ के बगल का जो गांव है वो सहरघाट है, और सारे लोग यहाँ से सहरघाट ही जाते हैं सारा काम करने के लिए, और जिसको भी जरूरत पड़ता है, जो भी भीड़ भाड़ रहता है वो सहरघाट में ही रहता है। और ये बहुत एक दूर का इलाका हो जाता है जो सहरघाट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। तो आगे देखना है कि गांव वालों के मर्जी के हिसाब से पुरातत्व विभाग वाले आके इसका जांच करते हैं या आगे क्या होता है, उसके लिए देखते रहिए, बनते रहिए मेरे साथ। मैं राकेश मिश्रा, आप सबों को नमस्कार।